ग्रिंडलवॉल्ड की पूरी कहानी जानेंगे। वो ग्रिंडलवॉल्ड जिसे हमने हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट की मूवीज में देखा है। ग्रिंडलवॉल्ड अपनी सदी का सबसे ताकतवर जादूगर था और वोल्डेमॉर्ट की तरह ही लोग ग्रिंडलवॉल्ड से भी डरते थे। पर ऑफ कोर्स मूवी में ग्रिंडलवॉल्ड की पूरी कहानी बताई ही नहीं गई है, इसलिए आज हम ग्रिंडलवॉल्ड की पूरी कहानी जानेंगे। वो बचपन में कैसा था, कैसे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बना, डंबलडोर ने उसे कैसे हराया और वो कैसे मारा गया। आज हम उसकी पूरी कहानी डिटेल में जानेंगे, उसके जन्म से लेकर उसके मौत तक, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गेलर्ट ग्रिंडलवॉल्ड का जन्म 1882 या 1883 के आसपास हुआ था और उसने हॉगवर्ट्स से नहीं बल्कि डर्मस्ट्रैंग स्कूल से मैजिक सीखा। ये एक ऐसा स्कूल था जहां पर स्टूडेंट्स को डार्क आर्ट्स यानी कि डार्क मैजिक भी सिखाया जाता था और ये स्कूल मगल बॉर्न स्टूडेंट्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था। ग्रिंडलवॉल्ड एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था और वो जादूगरी के हर सब्जेक्ट में अच्छा था, खासकर डार्क आर्ट्स में। इसके अलावा ग्रिंडलवॉल्ड जन्म से ही एक सीयर था। सीयर उस जादूगर या जादूगरनी को कहते हैं जिनके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है, जैसे कि प्रोफेसर सीबिल ट्रेलॉनी भी एक सीयर थी। अब क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड एक सीयर था, उसे अक्सर फ्यूचर से रिलेटेड विजन्स आते। स्कूल में रहते ही ग्रिंडलवॉल्ड को फ्यूचर की एक झलक दिखाई दी जिसमें वो जादुई दुनिया पर राज कर रहा था और उसी दौरान उसे डेथली हैलोस यानी कि मौत के तोहफों के बारे में भी पता चला। ग्रिंडलवॉल्ड को लगा कि अगर वो तीनों मौत के तोहफों को ढूंढ लेगा तब वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाएगा, जिसकी वजह से उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा और फिर वो जादुई दुनिया पर राज करने की अपने इस विजन को सच कर पाएगा। स्कूल में रहते ही ग्रिंडलवॉल्ड उन मौत के तोहफों के बारे में पता लगाने लगा और वो उससे इतना ऑब्सेस हो चुका था कि उसने उन मौत के तोहफों के निशान को डर्मस्ट्रैंग स्कूल की दीवारों पर मार्क कर दिया, जिसे आज तक कोई भी नहीं हटा पाया। इसके साथ ही ग्रिंडलवॉल्ड स्कूल में डार्क आर्ट से रिलेटेड काफी एक्सपेरिमेंट्स किया करता था और ये एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग थे जिसे अब ये स्कूल टॉलरेट नहीं कर पाया जहाँ खुद डार्क आर्ट सिखाया जाता था। 16 साल की उम्र में ही ग्रिंडलवॉल्ड को उसके खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकाले जाने के बाद ग्रिंडलवॉल्ड मौत के उन तीन तोहफों के बारे में पता लगाने लगा और उसे इग्नोटस पेवरल के बारे में पता चला, जिसे मौत ने वो इनविजिबिलिटी क्लोक यानी कि अदृश्य चोगा दिया था। इग्नोटस के बारे में पता लगाने के बाद ग्रिंडलवॉल्ड गॉडरिक हॉल हो गया, क्योंकि इग्नोटस का कब्र वहीं गॉडरिक हॉलो में ही था और लकीली ग्रिंडलवॉल्ड की ग्रेट आंट बथिल्डा बैकशॉट भी गॉडरिक हॉलो में ही रहा करती थी। इस वजह से ग्रिंडलवॉल्ड को वहां रहने की जगह भी मिल गई ताकि वो मौत के तोहफों के बारे में पता लगा सके। साल 1899 की गर्मियों में बथिल्डा ग्रिंडलवॉल्ड को एल्बस डंबलडोर से मिलवाती है जो उनके पड़ोसी थे। अब क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड और एल्बस एक ही उम्र के थे और दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, इसलिए इनमें ही दोस्ती हो जाती है। वो दोनों हमेशा साथ रहते और अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसी दौरान ग्रिंडलवॉल्ड ने एल्बस को बताया कि वो मौत के तोहफों को खोजना चाहता है और वो मानता है कि जादूगरों को मगलुओं से छिपकर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मगलुओं पर राज करने के लिए बने हैं। दो महीनों में एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और इसलिए एल्बस को लगा कि ग्रिंडलवॉल्ड जो कुछ भी करना चाहता है वो ग्रेटर गुड के लिए है। एल्बस ग्रिंडलवॉल्ड का साथ देना चाहता था ताकि आगे चलकर वो जादूगरों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सके और एल्बस का मानना था कि अगर कुछ जाने जाती भी हैं तो दुनिया बेहतर होने के बाद वो सैक्रिफाइस रीपे हो जाएगा। हालांकि एल्बस के इरादे और सोच ग्रिंडलवॉल्ड से काफी अलग थे। बचपन में ही वो अपनी बहन एरियाना को नहीं बचा पाए थे जब उसे उन मगलू बच्चों ने टॉर्चर किया था। उसके बाद वो अपने पिता को भी नहीं बचा पाए थे जिन्हें उन मगलू बच्चों से बदला लेने के जुर्म में अस्कबान जेल की सजा मिली थी और एल्बस की माँ तो एरियाना के साथ जुड़े एक्सीडेंट में मारी गई थी। एल्बस ताकत हासिल करना चाहता था ताकि वो अपनों को बचा सके और एक बेहतर दुनिया बना सके और साथ ही वो पुनर्जीवन पत्थर भी ढूंढना चाहते थे ताकि उससे वो अपने पेरेंट्स को वापस जिंदा कर सके। एक रात एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड एक ब्लड पैक बनाते हैं जो एक दूसरे से ये प्रॉमिस था कि वो एक दूसरे से कभी भी नहीं लड़ेंगे। ये ब्लड पैक्ट एक ऐसा लव बॉन्ड था जिसे तभी तोड़ा जा सकता है जब एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड दोनों के मंत्र टकराएंगे पर वो एक दूसरे को अटैक करने के इरादे से नहीं होने चाहिए। जब एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड दोनों ही अपने ग्रेटर गुड के प्लान को अंजाम देने के लिए निकलने ही वाले थे तभी एबरफोर्थ को इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। एबरफोर्थ जानते थे कि ग्रिंडलवॉल्ड एल्बस को मैनिपुलेट कर रहा है, इसलिए एबरफोर्थ एल्बस को रोकता है। वो एल्बस को कहता है कि वो उसे और एरियाना को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर ग्रिंडलवॉल्ड गुस्से में आ जाता है और एबरफोर्थ और ग्रिंडलवॉल्ड आपस में झगड़ने लग जाते हैं और फिर ग्रिंडलवॉल्ड एबरफोर्थ पर क्रूशियाटस कर्स का इस्तेमाल करता है।
एल्बस भी एवरफोर्थ को बचाने के लिए इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इनकी आवाजें सुनकर एरियाना वहां आती है और उन तीनों को रोकने की कोशिश करती है, मगर तभी तीनों में से किसी एक का मंत्र एरियाना को लग जाता है, जिसकी वजह से एरियाना मारी जाती है। एरियाना को उस हालत में देखकर एल्बस और एवरफोर्थ रोने लग जाते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड वहां से भाग जाता है। इस घटना के बाद एल्बस जिंदगी भर इसी गिल्ट में रहते हैं कि जिस मंत्र ने एरियाना की जान ली वो मंत्र कहीं उनका तो नहीं था। एरियाना की मौत के बाद ग्रिंडलवॉल्ड गॉडरिक हॉलो से भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि एल्बस अब उसका साथ नहीं देगा, इसलिए वो अकेले ही मौत के तोहफों का पता लगाने लग जाता है और जल्दी ही उसे एल्डर छड़ी की लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है। उसे एक अफवाह के बारे में पता चलता है जिसके अनुसार छड़ी बनाने वाले ग्रेगोरोविच के पास एक ताकतवर छड़ी है और वो उस छड़ी के पावर्स को डुप्लीकेट करके वैसी और छड़ियां बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ग्रिंडलवॉल्ड को ये पता चला, वो ग्रेगोरोविच के शॉप पर गया और उसने ग्रेगोरोविच को स्टन करके उससे वो छड़ी चुरा ली और अब वो उस एल्डर छड़ी का नया मालिक बन गया था। ग्रिंडलवॉल्ड धीरे धीरे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने लगा और साल 1926 में ग्लोबल विजिटिंग वॉर शुरू हुआ और ग्रिंडलवॉल्ड यूरोप और कई जगहों पर हमले करवाने लगा और कई ऑरर्स ग्रिंडलवॉल्ड को ढूंढने लगे। ग्रिंडलवॉल्ड ने ऑस्ट्रिया नर्मनगार्ड में एक प्रिजन बनवाया जहां वो अपने दुश्मनों को कैद करके रख सके। वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने लगा और उसी बीच उसने कई लोगों को मारा और उनमें से एक थे विक्टर क्रम के ग्रैंडफादर। ग्रिंडलवॉल्ड जानता था कि एल्बस डंबलडोर उसे रोकने की कोशिश जरूर करेंगे और वो ये भी मानता था कि डंबलडोर इकलौते ऐसे शक्तिशाली जादूगर थे जो उसे रोक सकते हैं। इन दोनों ने जो ब्लड पैक्ट बनाया था उसके वजह से ये दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ सकते थे, पर ग्रिंडलवॉल्ड ये जानता था कि डंबलडोर इतने पावरफुल है कि वो उसे हराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। इसलिए ग्रिंडलवॉल्ड डंबलडोर को हराने का तरीका ढूंढने लगा और उसी दौरान उसे एक विजन आया जिसमें उसने एक ऑब्स्क्यूरियल को डंबलडोर की जान लेते हुए देखा। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ऑब्स्क्यूरियल आखिर क्या होता है। तो जादुई दुनिया में जब कोई बच्चा अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करता है और उसे अंदर ही दबाने लग जाता है, तब धीरे धीरे वो अपने जादू का कंट्रोल खोने लग जाता है और एक ऑब्स्क्यूरियल में बदल जाता है। ऑब्स्क्यूरियल्स की उम्र ज्यादा नहीं होती और वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। इस विजन के बाद ग्रिंडलवॉल्ड ये समझ चुका था कि एक ऑब्स्क्यूरियल के पास ही इतनी ताकत है जो डंबलडोर को मार सके। इसलिए ग्रिंडलवॉल्ड यूरोप से अमेरिका आता है ताकि वो उस ऑब्स्क्यूरियल को ढूंढ सके जिसे उसने अपने विजन में देखा था। दिसंबर 1926 में ग्रिंडलवॉल्ड जादू से अपना रूप बदलकर पर्सिवल ग्रेव्स बन जाता है और अमेरिका के जादुई मंत्रालय को ज्वाइन करता है। उसी दौरान न्यूयॉर्क में एक ऑब्स्क्यूरियल तबाही मचाने लगता है। ग्रिंडलवॉल्ड उस ऑब्स्क्यूरियल को ढूंढने के लिए क्रीडेंस बेयरबोन से मिलता है, जो एक अनाथ लड़का था, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड ने क्रीडेंस को भी अपने विजन में देखा था और उसे लगा कि क्रीडेंस उस ऑब्स्क्यूरियल से कनेक्टेड है। ग्रिंडलवॉल्ड को लगा था कि क्रीडेंस एक स्क्विब है। बाय द वे, स्क्विब उसे कहते हैं जो जादुई परिवार से होते तो हैं पर उनमें जादुई शक्तियां नहीं होती है, यानी कि वो एक जादूगर नहीं होते। ग्रिंडलवॉल्ड क्रीडेंस को इमोशनली मैनिपुलेट करता है और उससे कहता है कि अगर वो उस ऑब्स्क्यूरियल को ढूंढने में उसकी मदद करेगा तब वो उसे उसकी अडॉप्टिव मदर से छुटकारा दिलाएगा जो उस पर काफी ज्यादा जुल्म किया करती थी, और साथ ही वो उसे जादू भी सिखाएगा। उधर डंबलडोर को अपने कॉन्टैक्ट से ही पता चल गया कि ग्रिंडलवॉल्ड को वो एल्डर छड़ी मिल चुकी है और उसे ये भी पता चला कि ग्रिंडलवॉल्ड एक ऑब्स्क्यूरियल का इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क में हमले करवा रहा है। डंबलडोर जानते थे कि ऑब्स्क्यूरियल का पता चल जाएगा तो ग्रिंडलवॉल्ड भी मिल जाएगा, इसलिए उस ऑब्स्क्यूरियल को ढूंढने के लिए डंबलडोर न्यूट को न्यूयॉर्क भेजते हैं ताकि वो उस ऑब्स्क्यूरियल का पता लगा सके। न्यूयॉर्क आने के बाद न्यूट के सूटकेस में से कुछ मैजिकल क्रिएचर्स भाग जाते हैं और अमेरिका के जादुई मंत्रालय को लगता है कि न्यूयॉर्क में जो भी हमले हो रहे हैं उसकी वजह न्यूट के मैजिकल क्रिएचर्स है। इस वजह से ग्रिंडलवॉल्ड, जो पर्सिवल ग्रेव्स बनकर वहां काम कर रहा था, वो न्यूट और टीना को अरेस्ट कर लेता है और इंटरोगेशन के टाइम पर ग्रिंडलवॉल्ड को न्यूट के सूटकेस में एक ऑब्स्क्यूरियल मिलता है। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे न्यूट ने एक 10 साल की ऑब्स्क्यूरियल लड़की से अलग किया था ताकि वो उस लड़की की जान बचा सके। ग्रिंडलवॉल्ड जानता था कि शरीर के बिना ये शक्ति किसी भी काम की नहीं है, पर फिर भी वो सारा इल्जाम न्यूट और टीना पर डाल देता है और उन्हें मौत की सजा सुनाता है ताकि उस पर किसी का भी शक ना जाए और वो अपने प्लान्स को अंजाम दे सके। क्वीनी की मदद से न्यूट और टीना वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरी तरफ क्रीडेंस, जो कि एक ऑब्स्क्यूरियल था, वो अपने अडॉप्टिव मदर को मार डालता है क्योंकि वो उस पर काफी जुल्म किया करती थी। उस अटैक के बाद क्रीडेंस की अडॉप्टिव सिस्टर मॉडेस्टी डर कर वहाँ से भाग जाती है। ग्रिंडलवॉल्ड जब वहाँ पहुँचता है तब उसे लगता है कि वो ऑब्स्क्यूरियल क्रीडेंस की अडॉप्टिव सिस्टर मॉडेस्टी है, इसलिए वो क्रीडेंस को मॉडेस्टी का पता लगाने को कहता है।
क्रीडेंस ग्रिंडलवॉल्ड को मॉडेस्टी के पास ले जाता है, तब ग्रिंडलवॉल्ड क्रीडेंस से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वो क्रीडेंस से ये भी कहता है कि वो उसे जादू नहीं सिखा सकता क्योंकि उसके अंदर कोई भी जादुई शक्तियां नहीं है। ग्रिंडलवॉल्ड की बातें सुनकर क्रीडेंस को काफी गुस्सा आता है और फिर वो ग्रिंडलवॉल्ड के सामने अपना ऑब्स्क्यूरियल फॉर्म रिवील करता है। क्रीडेंस को इस फॉर्म में देखकर ग्रिंडलवॉल्ड काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि क्रीडेंस ऑब्स्क्यूरियल हो सकता है, क्योंकि ऑब्स्क्यूरियल तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल ही जिंदा रह सकते हैं और क्रीडेंस की उम्र बहुत ज्यादा थी। ग्रिंडलवॉल्ड क्रीडेंस को डंबलडोर के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो क्रीडेंस से माफी मांगता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। पर क्रीडेंस ग्रिंडलवॉल्ड की धोखेबाजी की वजह से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरे शहर को तहस महस करने लग जाता है। न्यूट और टीना वहाँ पहुँचते हैं और वो क्रीडेंस को शांत करने की कोशिश करते हैं और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। पर तभी मकूसा की प्रेसिडेंट पिकरी और कुछ ऑरस वहाँ आते हैं और वो क्रीडेंस पर अटैक करते हैं, जिसके बाद लोगों को लगता है कि क्रीडेंस मारा गया, पर असल में क्रीडेंस वहाँ से भाग जाता है। न्यूट की वजह से ग्रिंडलवॉल्ड पकड़ा जाता है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। 6 महीनों तक ग्रिंडलवॉल्ड को मकूसा के प्रिजन में कैद करके रखा जाता है और फिर उसके बाद जब कुछ ऑरस उसे वहाँ से यूरोप ले जाते हैं ताकि उसे उसके क्राइम्स की सजा दिला सके, तब ग्रिंडलवॉल्ड उन ऑरस को मार कर वहाँ से भाग जाता है और इस काम में उसकी हेल्प करता है मकूसा का एक एम्प्लॉई एबरनाथी, जो महीनों पहले ही ग्रिंडलवॉल्ड को ज्वाइन कर चुका था। जेल से भागने के 3 महीने बाद ग्रिंडलवॉल्ड क्रीडेंस का पता लगाते हुए अपने फॉलोअर्स के साथ पेरिस आता है। वो एक मगलू परिवार को मारकर उनका घर हथिया लेता है और उस घर को हेडक्वार्टर्स की तरह यूज करता है। ग्रिंडलवॉल्ड को पता चलता है कि क्रीडेंस अपनी पहचान का पता लगा रहा है, जिसमें नगीनी भी उसका साथ दे रही है। ग्रिंडलवॉल्ड अपने फॉलोअर्स को क्रीडेंस के पीछे भेजता है और वहीं दूसरी तरफ क्रीडेंस इर्मा डुगार्ड से मिलता है, जिसका नाम क्रीडेंस के अडॉप्शन पेपर्स पर था। पर ग्रिंडलवॉल्ड एक बाउंटी हंटर घाना ग्रिम्सन को ऑर्डर देता है कि वो इर्मा डुगार्ड को मार दे ताकि क्रीडेंस को अपनी पहचान का पता ना चले। इससे पहले क्रीडेंस को कुछ पता चल पाता, घाना ग्रिम्सन इर्मा डुगार्ड को मार डालता है, जिसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड क्रीडेंस से मिलता है और वो क्रीडेंस से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी असली पहचान का पता लगाना है तो आज रात लेस्ट्रेंज के शाही कब्रिस्तान में आ जाना। क्रीडेंस ग्रिंडलवॉल्ड के कहे अनुसार लेस्ट्रेंज के खानदानी कब्रिस्तान में आ जाता है, जहां पर ग्रिंडलवॉल्ड रैली करता है। वो लोगों को मगलों के खिलाफ भड़काता है ताकि लोग एक बेहतर दुनिया बनाने में उसका साथ दें। तभी वहां पर न्यू टीना और बाकी ऑरस भी पहुंच जाते हैं। ग्रिंडलवॉल्ड को उन ऑरस का पता चल जाता है और वो अपने फॉलोअर्स को वहां से उड़नछू हो जाने को कहता है। थीसियस और बाकी ऑरस जब ग्रिंडलवॉल्ड को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ग्रिंडलवॉल्ड अपने आसपास एक जादुई आग लगाता है और उस आग को सिर्फ वो ही पार कर पाएगा जो ग्रिंडलवॉल्ड के प्रति लॉयल होगा। ग्रिंडलवॉल्ड के साथी और क्वीनी उसे ज्वाइन करते हैं और साथ ही क्रीडेंस भी ग्रिंडलवॉल्ड को ज्वाइन करता है, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड उससे कहता है कि वो उसकी पहचान के बारे में जानता है। इसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड उस जादुई आग के जरिए न्यूट और थीसियस को मारने की कोशिश करता है, पर तभी लीटा उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देती है और उन दोनों को वहां से भाग जाने को कहती है। ग्रिंडलवॉल्ड गुस्से में आकर उस जादुई आग को काफी ज्यादा बढ़ाकर वहां से उड़नछू हो जाता है। वो आग पूरे शहर को अपने चपेट में लेने लग जाती है, पर निकोलस फ्लैमेल और बाकी ऑरर्स उस आग को किसी तरह शांत कर देते हैं। फिर न्यूट और उसकी टीम हॉगवर्ट्स आती है और न्यूट डंबलडोर को वो ब्लड पैक देता है जो उसके निफ्लर ने रैली के दौरान ग्रिंडलवॉल्ड से चुरा लिया था। इसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड क्रीडेंस को लेकर नर्मनगार्ड कैसल आता है, जहां वो क्रीडेंस को एक छड़ी देता है और उसे ये बताता है कि उसका बर्थ नेम ऑरेलियस डंबलडोर है। ग्रिंडलवॉल्ड क्रीडेंस को बताता है कि वो एल्बस डंबलडोर का भाई है और डंबलडोर उसे मारना चाहते हैं। ग्रिंडलवॉल्ड क्रीडेंस को डंबलडोर के खिलाफ भड़काता है ताकि क्रीडेंस डंबलडोर को मार डाले। साल 1932 से पहले ही ग्रिंडलवॉल्ड डंबलडोर से मिलता है और ये दोनों अपने कॉमन पास्ट को डिस्कस करते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड डंबलडोर को ये भी बताता है कि वो मगलुओं से कितनी नफरत करता है और वो उनसे कहता है कि वो इनकी दुनिया बर्बाद कर देगा, या तो उनकी मदद से या फिर उनकी मदद के बिना। डंबलडोर समझ चुके थे कि ग्रिंडलवॉल्ड अब नहीं रुकेगा, इसलिए वो उसे रोकने के लिए जादूगरों की फौज बनाते हैं, जिसमें न्यूट्स कमांडर और उसका भाई थीसियस कमांडर भी शामिल था, और साथ ही वो इस ब्लड पैक्ट को डिस्ट्रॉय करने का तरीका भी ढूंढने लग जाते हैं।
दूसरी तरफ ग्रिंडलवॉल्ड ये प्लान करता है कि वो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजर्ड्स के सुप्रीम लीडर के इलेक्शंस में खड़ा होगा, इसलिए वो जर्मन मिनिस्ट्री पर कब्जा कर लेता है और मिनिस्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसकी वजह से करंट सुप्रीम लीडर एंटोन वोगल भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। वो उसे सारे क्रिमिनल चार्जेस से बरी कर देते हैं ताकि ग्रिंडलवॉल्ड इलेक्शन लड़ पाए। इस इलेक्शन में एक चाइनीज क्रिएचर चिलिन का इस्तेमाल होता है। वो चिलिन जिसके भी सामने सिर झुकाती है उसे नया सुप्रीम लीडर चुन लिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि चिलिन सिर्फ नेक दिल इंसान के सामने ही अपना सर झुकाती है। ग्रिंडलवॉल्ड के कहने पर उसके फॉलोअर्स चाइना जाते हैं, जहां वो एक चिलिन की मां को मारकर उसके बच्चे को चुरा लेते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड को सौंप देते हैं। पर ना तो ग्रिंडलवॉल्ड ना ही उसके फॉलोअर्स को ये बात पता थी कि उस रात उस चिलिन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और दूसरे बच्चे को न्यूट ने बचा लिया था। ग्रिंडलवॉल्ड अकेले में ये टेस्ट करता है कि वो चिलिन उसके सामने सर झुकाता है या फिर नहीं। जब वो चिलिन उसके सामने सर नहीं झुकाता है तब वो उस चिलिन को मार डालता है। उस चिलिन के खून में उसे डंबलडोर के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें वो ब्लड पैक्ट को देख रहे थे, और अगले ही विजन में ग्रिंडलवॉल्ड न्यूट और थीसियस को हॉग्समीड जाते हुए देखता है। डंबलडोर जानते थे कि ग्रिंडलवॉल्ड को विजन्स आते हैं और वो भविष्य की झलक देख सकता है, इसलिए वो अपनी टीम को सारे प्लान्स के बारे में नहीं बताते हैं। वो टीम के हर एक मेंबर को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उन्होंने किसे क्या काम दिया है इसके बारे में टीम के दूसरे मेंबर्स को भी पता नहीं था। ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि ग्रिंडलवॉल्ड कंफ्यूज हो जाए। डंबलडोर की टीम बर्लिन आती है, जहां यूसुफ कामा डंबलडोर के कहे अनुसार ग्रिंडलवॉल्ड से मिलने नॉर्मनगार्ड कैसल आता है, और वो प्लान के अकॉर्डिंग ग्रिंडलवॉल्ड को ये यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ है। क्वीनी कामा के दिमाग को पढ़ के ग्रिंडलवॉल्ड को बताती है कि कामा उसका साथ तो देना चाहता है, पर उसके मन में ग्रिंडलवॉल्ड के लिए काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड ने उसकी बहन लीटा लेस्ट्रेंज को मारा था। ये सुनते ही ग्रिंडलवॉल्ड कामा के दिमाग से लीटा की मौत की मेमोरी को निकाल फेंकता है। डंबलडोर बर्लिन आते हैं, जहां वो क्रीडेंस को ढूंढ लेते हैं। क्रीडेंस और उनके बीच लड़ाई होती है, जहां पर डंबलडोर से बताते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड ने उससे झूठ कहा है। वो एक डंबलडोर तो है, पर वो उसका भाई नहीं है, बल्कि वो उसके भाई एबरफोर्थ का बेटा है। इधर ग्रिंडलवॉल्ड भी बर्लिन आता है ताकि वो कैंडिडेट्स की डिनर पार्टी अटेंड कर सके जो उसके साथ इलेक्शन में खड़े होने वाले थे। जर्मन मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर उसके फॉलोअर्स उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्रीडेंस वहां आता है और उसे निराश देखकर ग्रिंडलवॉल्ड समझ जाता है कि क्रीडेंस डंबलडोर को नहीं मार पाया, इसलिए वो क्वीनी को क्रीडेंस को संभालने को कहते हैं ताकि क्रीडेंस हिम्मत ना हारे, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड का मानना था कि क्रीडेंस ही डंबलडोर को मार सकता है। उसी डिनर पार्टी में ग्रिंडलवॉल्ड वहीं पर एक दूसरी कैंडिडेट को मारने की कोशिश करता है, पर यूलाली हिग्स उसे बचा लेती है। डंबलडोर जानते थे कि ग्रिंडलवॉल्ड दूसरे कैंडिडेट्स को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए डंबलडोर ने जेकब और यूलाली हिग्स को वहां भेजा था। उसी रात ग्रिंडलवॉल्ड डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल करके उस मरे हुए चिलिन को फिर से जिंदा करता है, और उसी दौरान उसे एक विजन आता है जिसमें उसे डंबलडोर के साथ एक दूसरा चिलिन का बच्चा दिखाई देता है। ये देखकर ग्रिंडलवॉल्ड को पता चल जाता है कि उस रात उस चिलिन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, और इस बात के लिए वो क्रीडेंस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। दूसरी तरफ डंबलडोर एबरफोर्थ से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि क्रीडेंस उसका बेटा है। डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं ताकि वो इलेक्शन ना जीत पाए। वो बंटी से 5 सेम सूटकेसेस बनवाते हैं ताकि ग्रिंडलवॉल्ड और उसके फॉलोअर्स कंफ्यूज हो जाए कि असली सूटकेस कौन सा है जिसमें चिलिन का बच्चा है, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड अब इस जुड़वा चिलिन के बारे में जान चुका था और उसे पता था कि डंबलडोर उस चिलिन को इलेक्शन में लेकर जरूर आएंगे। डंबलडोर की टीम प्लान के अनुसार एक गुप्त मार्ग से भूटान पहुंचती है, जहां पर इलेक्शन चल रहा था, और ग्रिंडलवॉल्ड के साथ ही डंबलडोर की टीम पर अटैक करते हैं और असली सूटकेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहां ग्रिंडलवॉल्ड उसी चिलिन को यूज करता है जिसे उसने काले जादू से जिंदा किया था। वो चिलिन ग्रिंडलवॉल्ड के सामने सिर झुकाती है और ग्रिंडलवॉल्ड ये इलेक्शन जीत जाता है। इलेक्शन जीतते ही ग्रिंडलवॉल्ड मगलुओं के खिलाफ जंग का ऐलान करता है और जेकब पर क्रूशियाटस कर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन न्यूट क्रीडेंस की मदद से ग्रिंडलवॉल्ड को झूठा साबित करता है और बंटी के हाथ में जो असली सूटकेस था उसमें से वो उस जुड़वा चिलिन को बाहर निकालता है। वो चिलिन डंबलडोर के सामने सिर झुकाती है, पर डंबलडोर से कहते हैं कि यहाँ पर एक और इंसान है जो इलेक्शन जीतने के काबिल है। फिर वो चिलिन एक दूसरे कैंडिडेट को चुन लेती है। ये देखते ही ग्रिंडलवॉल्ड गुस्से में आकर क्रीडेंस पर किलिंग कर्स मारता है। तभी एल्बस और एबरफोर्थ क्रीडेंस को बचाने के लिए बचाव मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही ग्रिंडलवॉल्ड का मंत्र और एल्बस का मंत्र टकराता है वो ब्लड पैक टूट जाता है, क्योंकि ना तो डंबलडोर ने ना ही ग्रिंडलवॉल्ड ने एक दूसरे को मारने के लिए मंत्र मारा। ग्रिंडलवॉल्ड ने क्रीडेंस पर किलिंग कर्स मारा और डंबलडोर ने बचाव मंत्र का इस्तेमाल किया, इसलिए वो ब्लड पैक टूट गया।
ब्लड पैक टूटते ही डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड के बीच फाइट शुरू होती है, बट ये फाइट जल्दी ही खत्म हो जाती है और फिर ग्रिंडलवॉल्ड वहां से भाग जाता है। इसके बाद कई सालों तक डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड का सामना नहीं हुआ। ग्रिंडलवॉल्ड अपने फॉलोअर्स बढ़ाता गया और उसने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। लोगों का मानना था कि सिर्फ डंबलडोर ही इकलौते जादूगर है जो ग्रिंडलवॉल्ड को हरा सकते हैं, पर डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड को काफी सालों तक अवॉइड करते रहे। हालांकि अब ब्लड पैक टूट चुका था, फिर भी डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ग्रिंडलवॉल्ड उन्हें ये ना बता दे कि जिस मंत्र ने एरियाना की जान ली वो मंत्र डंबलडोर का ही था। पर 1945 में जब ग्रिंडलवॉल्ड अपनी ताकत के नशे में इतना चूर हो गया कि वो लोगों पर आए दिन अत्याचार करने लगा, तब डंबलडोर खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने ग्रिंडलवॉल्ड को ढूंढा और उसका सामना किया। इस लड़ाई को अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट ड्यूल माना जाता है, जहां पर डंबलडोर ने ग्रिंडलवॉल्ड को हरा दिया और उससे उस एल्डर छड़ी को जीत लिया जो दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी थी। फिर ग्रिंडलवॉल्ड को उसी के बनाए नर्मनगार्ड जेल में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। ग्रिंडलवॉल्ड को हराने के लिए डंबलडोर को ऑर्डर ऑफ द मर्लिन फर्स्ट क्लास अवार्ड मिला और इसे पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि ग्लोबल विजिटिंग वॉर अब खत्म हो चुका था। आने वाले सालों में ग्रिंडलवॉल्ड नर्मनगार्ड के सेल में ही कैद रहता है। उसके हारने के 50 साल बाद वोल्डेमॉर्ट एल्डर छड़ी की तलाश में उससे मिलने आया, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट को ये पता चल गया था कि वो एल्डर छड़ी ग्रिंडलवॉल्ड ने ग्रेगोरो विच से चुराई थी। वोल्डेमॉर्ट ग्रिंडलवॉल्ड से उस एल्डर छड़ी के बारे में पूछता है, पर ग्रिंडलवॉल्ड जानता था कि उसके पास खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर उसने वोल्डेमॉर्ट को एल्डर छड़ी का पता नहीं बताया तो वो उसे मार देगा। पर फिर भी ग्रिंडलवॉल्ड वोल्डेमॉर्ट को ये नहीं बताता है कि एल्डर छड़ी डंबलडोर के पास है, क्योंकि इतने सालों तक अकेले कैद में रहने के बाद ग्रिंडलवॉल्ड को फाइनली अपने किए पर पछतावा होने लगा था। इसलिए वो वोल्डेमॉर्ट को उस एल्डर छड़ी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि शायद वो नहीं चाहता था कि वोल्डेमॉर्ट एल्डर छड़ी को पाने के लिए डंबलडोर के कब्र को तहस महस कर दे। उल्टा ग्रिंडलवॉल्ड वोल्डेमॉर्ट को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, पर वो एल्डर छड़ी तुम्हारी कभी नहीं होगी। ये सुनते ही वोल्डेमॉर्ट गुस्से में आकर ग्रिंडलवॉल्ड को मार डालता है। हैरी जब डंबलडोर से लिम्बो में मिलता है तब वो डंबलडोर को ये बताता है कि ग्रिंडलवॉल्ड ने कैसे अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने वोल्डेमॉर्ट को नहीं बताया कि वो एल्डर छड़ी कहाँ है। तभी डंबलडोर भी इस बात को मानते हैं कि शायद ग्रिंडलवॉल्ड को अपने किए पर पछतावा था और ग्रिंडलवॉल्ड को उनकी परवाह थी। वोल्डेमॉर्ट को वो एल्डर छड़ी तो मिल जाती है, पर जैसा कि ग्रिंडलवॉल्ड ने उससे कहा था कि वो एल्डर छड़ी कभी भी उसकी नहीं हो पाएगी। ये बात सच साबित होती है और वो एल्डर छड़ी जिसे वोल्डेमॉर्ट ने अपनी जीत समझा था वही उसके मौत का कारण भी बनती है, क्योंकि वो उस छड़ी को तो पा लेता है पर वो उसकी वफादारी हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो छड़ी हैरी की वफादार थी। ग्रिंडलवॉल्ड और वोल्डेमॉर्ट इकलौते ऐसे जादूगर थे जिन्हें दुनिया का सबसे पावरफुल डार्क विजर्ड माना जाता है। हालांकि दोनों ही बहुत पावरफुल है, पर इन दोनों में काफी फर्क है और ताकत के मामले में ग्रिंडलवॉल्ड वोल्डेमॉर्ट से आगे है, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड वोल्डेमॉर्ट से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसने कई महान जादूगरों को हराया था और वो ऑक्यूलमेंसी में भी माहिर था, यानी कि कोई भी ग्रिंडलवॉल्ड के दिमाग में झांक नहीं सकता था। तभी तो वोल्डेमॉर्ट भी ग्रिंडलवॉल्ड के माइंड में नहीं घुस पाया था और वो बार बार उससे पूछता रहा कि वो एल्डर छड़ी कहाँ है। इसके अलावा ग्रिंडलवॉल्ड कई तरह के जादूगरी में भी माहिर था। वो बिना छड़ी के ही जादू कर सकता था, जिसमें वोल्डेमॉर्ट बिल्कुल भी माहिर नहीं था। ग्रिंडलवॉल्ड ने पूरी जादुई दुनिया पर राज किया था, पर वोल्डेमॉर्ट सिर्फ ब्रिटेन पर ही कब्जा कर पाया था। ग्रिंडलवॉल्ड ने दुनिया की सबसे ताकतवर एल्डर छड़ी की वफादारी भी हासिल की थी, पर वोल्डेमॉर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया। तो गाइस, ये थी ग्रिंडलवॉल्ड की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।